आप लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि हमारे पार्टी के तीन विधायकों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग किया गया। अरे एफआईआर तो सरकार है, कल भाई वीरेंद्र को भी जेल भेज सकता है। अरे भाई हमारे विधायकों को कैसे तोड़ा गया है? आप तो गवाह है ना कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में कौन कौन पदाधिकारी का चलता है, जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको काहे के लिए रखा गया है सलाहकार के नाम पर माल अलूसलने के लिए। भगवान राम का कसम खा के बोले कि ये बात सही है कि नहीं है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नमस्कार, आप देखने शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सीता के साथ। कल फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू के विधायक संजय झा ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा था कि हमारे विधायकों को आरजेडी के द्वारा खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्रॉस वोटिंग तो आरजेडी के विधायकों ने जेडीयू के पद से कर दिया, जिसको लेकर आज आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने खूब बरसे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के पदाधिकारियों पर भी निशाना साधते हुए क्या कुछ बोल रहे हैं भाई वीरेंद्र, पहले आप सुनिए। आप लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि हमारे पार्टी के तीन विधायकों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग किया गया और पैसे से उनको खरीद कर और अपने पाले में किया गया, आप गवाह हैं, तो फिर इस तरह का सवाल ही नहीं करना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग जिसने किया है उसकी चर्चा तो कीजिए। अरे एफआईआर तो सरकार है, कल भाई वीरेंद्र को भी जेल भेज सकता है कोई आरोप लगाकर। तो ये तो सरकार है और पलटीमार सरकार है, आप जानते ही कि पलटी मारने वाली सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। आप लोग उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश। अरे भाई हमारे विधायकों को कैसे तोड़ा गया है, आप तो गवाह है ना, तीन माननीय विधायकों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके और राजद के विधायकों को अपने पाले में लाने का काम किया है, या तो डरा के धमका कर पैसा दे कर जैसे भी हो मैनेज करके उन लोगों को अपने पाले में रखने का काम किया है। इसलिए जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं मेरे पार्टी और मेरे लोगों पर, वो बेबुनियाद आरोप है, इस तरह का आरोप से बचना चाहिए सरकार। फाइलें खुलेंगी, अरे अच्छी बात है, फाइल खोलें, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं है, फाइल खुले। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में कौन कौन पदाधिकारी का चलता है, जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको काहे के लिए रखा गया है सलाहकार के नाम पर माल अलूसलने के लिए, माल अलूसलने के लिए। और वो लोग फंसते नजर आ रहे थे, उन्हीं के दबाव में एनडीए में जाकर मिले हैं नीतीश कुमार जी। अंतरात्मा की आवाज भगवान राम है ना, उनका कसम खा के कह दे हम राजनीति छोड़ देंगे, भगवान राम का कसम खा के बोले कि ये बात सही है कि नहीं है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अरे छोड़ा यार, आप जानते हैं कि कहानियां हैं ना, जयचंद और किसका किसका, आप कहानी अब मत कहने दीजिए, छोड़िए। तो जैसे कि आपने सुना किस तरह से भाई वीरेंद्र नीतीश कुमार पर बरसते नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि उनके विधायकों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, उन्हें डरा धमका कर उनके साथ पैसे खिलाकर उन्हें खरीदा गया है। साथ ही साथ जो विधायकों पर एफआईआर दर्ज हुआ है उस पर भी कहा है कि अब तो सरकार उनकी है, वो जिसके चाहे एफआईआर दर्ज करवा दे, कल हो तो मेरे ऊपर भी कोई एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं वे लोग। इसके साथ साथ किस तरह से भाई वीरेंद्र भरकते नजर आए हैं नीतीश कुमार और साथ ही साथ उनके विधायकों पर आपने सुना। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।